जहाँ तक ये फोरकास्ट का सवाल है मानसून का, जो डिपार्टमेंट ने दिया था, मतलब जून टू सितंबर जो मानसून पीरियड रहता है हमारे यहाँ इंडिया में, तो इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा कि IMD ने जो प्रिडिक्शन दिया है वो नॉर्मल मानसून का प्रिडिक्शन दिया है, खासकर पूरे कंट्री एज ए होल। और इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट जो है एक और फोरकास्ट देता है सब डिवीजन वाइज, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, ईस्टर्न पार्ट्स, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न UP के कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। तो डिपार्टमेंट का कहना है फोरकास्ट में कि थोड़ा सा अब वो नॉर्मल मानसून रहेगा, खासकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो हमारा जम्मू कश्मीर भी उसमें इंक्लूड है। तो अब वो नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि लास्ट ईयर भी मानसून जो है नॉर्मल था हमारे स्टेट में, खासकर यहाँ पे रियासी हो गया, फिर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे बारामुल्ला, फिर इसी तरह पुंछ, राजौरी, ये कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे मानसून जो है अबो नॉर्मल था लास्ट ईयर भी, और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी थे जो बिल्कुल मतलब बिलो नॉर्मल मानसून था, मतलब डेफिसिट मानसून था, जैसे कि यहाँ श्रीनगर था, बड़गाम था, इसी तरह जम्मू डिस्ट्रिक्ट था उसमें, और उधमपुर भी था, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट भी थे जिसमें मानसून जो है डेफिसिट था। तो इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा कि बारिश तो जो है हर साल होता है, और इस साल भी ऐसे ही जो था सिलसिला ऐसा चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बारिश जो है कुछ कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है अब।